एसपी राजेश कुमार ने 20 सालों से पुलिस के लिए सिर दर्द बने अंतर जिला अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला के टॉप 10 अपराधी उदा किशोरगंज थाना क्षेत्र के सुखासनी पंचायत के वार्ड नंबर 13 के दुर्दांत अपराधी मणिकांत पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जो मधेपुरा पुलिस के दबाव में यह सुपौल जिला में शरण लेकर रह रहा था, जब गुप्त सूचना मिली तो उदा किशोरगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई पप्पू कुमार, एसआई सुरेंद्र कुमार, जिला बल के सिपाही सोनू कुमार, विकेश कुमार यादव, धर्मदेव कुमार, सुनील कुमार, टेक्निकल सेल धीरेन्द्र कुमार, प्रभात कुमार के साथ सुपौल जिला पहुंचकर सुपौल जिला के टेक्निकल सेल से संपर्क बनाते हुए सुपौल स्थित नगर परिषद वार्ड नंबर 27 में झरकारी मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया, जो अपना नाम छुपाकर गलत बता रहा था। इसे थाना लाकर सत्यापन के उपरांत इसी के बताए अनुसार निशानदेही पर उनके घर सुखासनी स्थित आवासीय घर पर छापा मारकर एक देशी मास्केट, 5 जिंदा गोली, एक अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि यह 20 वर्षों से अपराध जगत में पांव पसार कर पुलिस की नजर से बचकर एक के बाद एक गंभीर घटना को अंजाम देता रहा है, जिसका संबंध जिला के कुख्यात अपराधी मिथिलेश यादव से रहा है, जो वर्तमान में मधेपुरा जेल में है। मणिकांत पासवान वर्षों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। इसकी गिरफ्तारी कोसी क्षेत्र पुलिस की बड़ी सफलता है। इसकी गिरफ्तारी के बाद उदा किशोरगंज थाना कांड संख्या 293/23 दर्ज कर आर्म्स एक्ट तथा बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2022 दर्ज किया गया है। इस कांड के अलावे और भी 15 कांड दर्ज है, जिसमें वह फरार थे। आगे देखिए संबंध में एसपी राजेश कुमार ने और क्या जानकारी दी है, देखिए इस वीडियो में। कोसी क्षेत्र का कुख्यात अपराधकर्मी मनिया पासवान, जो कि कई वर्षों से फरार चल रहा था और इस पे दर्जनों से ऊपर कांड पड़े हुए थे, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। हमारे समीपवर्ती जिला में भी यह वांछित था, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा सभी थाना इसका अपराध क्षेत्र रहा है और ये जो मनिया पासवान है हर तरह के अपराध में संलिप्त रहा है, हत्या, डकैती, लूट, तमाम तरह के अपराध ये करता था और रहने वाला मूलतः उदा किशनगंज थाना क्षेत्र का ही है, परंतु बगल में जो सहरसा में काशनगर होती है उधर इसका आतंक ज़्यादा था और वहाँ के लोग इसके नाम से दहशत में रहते थे। वर्षों से पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी। ये हमारे कोसी क्षेत्र के टॉप 10 का वांटेड भी था। इसकी गिरफ्तारी के लिए मैंने उदा किशनगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बना रखा था। इस टीम को 6 तारीख को सूचना मिली कि मणिया पासवान सुपौल में कहीं पे शरण लिए हुए हैं, वहीं पे छिप कर के रह रहा है। इस सूचना पे थानाध्यक्ष उदा किशनगंज और हमारे डीआई टीम के जो भी सदस्य हैं, सिपाही धीरेन्द्र, सिपाही पवार और भी जितने लोग थे, इन लोग यहाँ से गए और जा करके वहाँ पे कैंप किए, फिर सुपौल के डीआई टीम का भी सहयोग लिए और तत्पश्चात इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। इनके पास हथियारों का कहीं बरामद? इसके पास से एक 22 इंच का देसी हथियार है, जिसको कि लोकल भाषा में मास्केट भी बोला जाता है और साथ में 5 जिंदा कारतूस भी है और जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से एक शराब की बोतल भी बरामद हुई है। इन सभी चीज़ों की जब्ती सूची भी बनाई गई है और इन्हें अब जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये तो बड़ी उपलब्धि है सर, क्या टीम को पुलिस के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और इस काम में, इसकी गिरफ्तारी में जो भी हमारे पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी लगे थे उन सभी को मैं अपने पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी कोसिंग रेंज से अनुरोध करूँगा कि अपने से इन लोगों को सम्मानित करें। इसके पकड़े जाने के बाद जो इलाके में काफी लोग होंगे और काफी अच्छे तरीके से रहेंगे। कल मुझे जैसा पता चला कि काशनगर एरिया में इसकी गिरफ्तारी के पश्चात एक जाति विशेष के लोगों द्वारा खुशियां मनाई गई है और पटाखे भी छोड़े गए हैं। इससे हमें अंदाजा लगा कि इसका उस एरिया में किस तरह का आक्रांत था। इस गिरफ्तारी से उस एरिया के लोग काफी खुश हैं और पुलिस के लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं, शाबाशी भी दे रहे हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीजों से रहे दूर। चौमिन, पिज्जा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज है, कृपया उनसे दूर।